सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के इस पवित्र दिन में उसके पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़े और एक भाग हम लिखा ले जो हम सबों को आता है, हम सुने हैं, सीखे हैं, फिर भी इसमें से कुछ बातें प्रभु ने जो मुझे सिखाया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम मिलकर निकालेंगे पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसका एक वचन हम निकाल के हम पढ़ें। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वर्स 1 और वो निकाल के हम पढ़े। वहां एक व्यक्ति के बारे में है जो आज हम प्रभु की उपस्थिति में इनके जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। जी हाँ, सुनिए क्या लिखा है। यहोवा ने सैमुएल से कहा। हाँ, यहोवा ने सैमुएल से कहा। सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। अपने सिंह में तेल भर के चल। हाँ, मैं तुझको बैतलहम वासी इसे के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सब बोले हालेलुया हालेलुया। और आपको मालूम है ये घटना एक लड़के के ऊपर है जिस लड़के का नाम है दाऊद। सब बोलेंगे दाऊद। सुने ध्यान से, यहां पे परमेश्वर का वचन सैमुएल के पास आता है और सैमुएल एक भविष्यवक्ता था और पुराने समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया करता था। तो परमेश्वर ने बोला, हे सैमुएल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं कि तू जा और जाकर एक परिवार में तुझे दिखाऊंगा जिस परिवार के मुखिया का नाम ईसे होगा और उनका 8 पुत्र होगा और उनके 8 पुत्रों में से एक पुत्र को मैं अभिषेक करना चाहता हूं आने वाले राजा होने के लिए। और उसको बोला गया, क्योंकि जो साउल राजा है मैं उससे अभी प्रसन्न नहीं हूं, इसलिए मैं साउल के जगह एक और राजा में चुनना चाहता हूं और वो राजा आएगा इसे के परिवार से। तब वहां पे सैमुएल चला गया और सैमुएल वहां जाकर उनके बेटे को बुलाने लगा और एक एक बेटा आया। परमेश्वर ने बोला, नहीं ये बेटा नहीं। फिर दूसरा बेटा आया, परमेश्वर ने कहा कि नहीं ये बेटा भी नहीं। फिर उसका ऐसे करते करते 7 बेटे सैमुएल के सामने लाया गया, लेकिन सैमुएल ने कहा इनमें से कोई नहीं है जिसको परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है या फिर इज़राइल का राजा बनाना चाहता है। फिर सैमुएल ने ईसे से पूछा, क्या अभी भी कोई आपके लड़कों में से कोई लड़का बचा है क्या? तब ईसे ने कहा, हाँ हमारा एक लड़का बचा हुआ है और वो दाऊद है और वो अभी कहाँ पे है? जंगलों में है। फिर उसको जंगलों में से बुलाया जाता है और प्रभु का दास सैमुएल उनके जीवन में अभिषेक करता है और प्रभु के उपस्थिति में उनके सर पे जो सिंह में तेल ले आया था वो सिंह का तेल दाऊद के सिर पे ढाला जाता है। और प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन से दाऊद के सिर पे तेल ढाला गया उस दिन से परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ से दाऊद के ऊपर उतरा करता था। हालेलुया। अब यहां पर दाऊद अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बातों को उसने किया, लेकिन मेरा आप लोगों के लिए सवाल है, क्यों परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है कि वो एक बड़ी पदवी में जाकर बैठे? क्यों परमेश्वर किसी को चुनता है कि तू आशीषित हो जाए? क्यों परमेश्वर किसी को चुनता है कि तेरे वर्षों के तेरे अंदर की बीमारियां जो अब तक ठीक नहीं हुआ, मैं तुझे चुनता हूं कि आज के बाद तू चंगा हो जा? क्यों परमेश्वर चुनता है? परमेश्वर के चुनने के पीछे का कारण क्या होता है? क्या देखकर परमेश्वर चुनता है? क्या प्रभु रूप रंग और ढंग देख के चुनता है? क्या प्रभु उनके फैमिली बैकग्राउंड को देख के चुनता है? क्या प्रभु यह देखता है कि ये इसका कद बहुत अच्छा है, इनका चेहरा बहुत अच्छा है, इसलिए इनको मैं चुन लेता हूं?
और दुनिया के लोग जब किसी को चुनते हैं, उनके चुनने का जो मापदंड होता है, मेजरमेंट होता है, वो अलग होता है। दुनिया के लोग जब लोगों को चुनते हैं किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए, तो लोग देखते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार वे लोग उनको चुनते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि दुनिया के लोग जब आपको ऊंचा उठाने के लिए चुनते हैं तो आपके अंदर क्या देखते हैं। मेरा सवाल ये है, जब आपका खुदा आपको उठाना चाहे तो आपके अंदर क्या देखना चाहता है? और क्या हमारे अंदर कुछ होना चाहिए, या प्रभु किसी को भी उठाकर राजगद्दी पे खड़ा कर देता है? एक वचन है नया नियम में, वहां से लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। सब बोले हालेलुया। और ये वचन जब हम सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें इस वचन को लेके ऐसे आंकलन करना शुरू हो जाते हैं कि परमेश्वर जिसको भी चुनता है वो मूर्ख को ही चुनता है। अगर ऐसा है तो इस दुनिया में बहुत पैसे पैसे वाले लोग हैं, उनको भी परमेश्वर ने चुना है। बहुत ऐसे साइंटिस्ट है जिसको परमेश्वर ने चुना है, बहुत ऐसे बुद्धिजीवी वाले लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। फिर वो वचन का मतलब क्या है, फिर वो वचन हमें क्या चीज को बताता है, वो वचन हमें क्या चीज की ओर हमें समझाता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। हालेलुया। तो यहां पे लिखा गया है जो परमेश्वर ने दाऊद को चुनता है। अभी आप ऐसे बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे, परमेश्वर किसको चुनता है? क्या जो व्यक्ति शून्य है, जो व्यक्ति में सब कुछ गुण नहीं है, प्रभु उसको चुनकर उसको गुणवान बनाता है? क्योंकि जब प्रभु ने दाऊद को चुना, अन्य जातियों में से नहीं चुना, वो यहूदी था, प्रभु की आराधना करने वाला था, प्रभु में उसका अच्छा जीवन था, जैसे एक मसीहो का जीवन होता है वैसे ही दाऊद का जीवन था। तो एक मसीह को या फिर एक यहूदी को प्रभु चुन रहा है उनको एक बड़ा पदवी में बैठाने के लिए। हालेलुया। अपने आप से सवाल पूछिएगा कि मेरा खुदा अगर मुझे बढ़ाना चाहे तो मेरे अंदर वो क्या चीज देखना चाहेगा, क्यों मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा? आज वही चीज मैं आपको कुछ बातें करीबन 6-7 पॉइंट है दाऊद के बारे में बताऊं और मैं आपको बताऊं, और ये चीज अपने जीवन में आप लीजिएगा कि परमेश्वर अब किसी को चुनता है उसके पीछे प्रभु का मकसद भी होता है और उस व्यक्ति का भी कुछ हाथ होता है। कभी कभी हमें लगता है प्रभु हम नालायक हैं, हम कीड़े हैं, हम मकोड़े हैं, हम मिट्टी जैसा है, हम घास है, हम ओस के समान है, और हमें मालूम है तो ऐसे लोगों को लेकर इस्तेमाल करता है। प्रभु कहता है बेटा वचन को थोड़ा पढ़ा कर और समझा कर कि मैंने जिन जिन को मैंने चुना अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने सेवकाई के लिए, क्यों और किस कारण से चुना, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, जब प्रभु ने आपको अन्य जाति में से चुना और उद्धार में लेके आया, तब ये बात फिट बैठता है कि प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। लेकिन जब प्रभु मसीही लोगों को चुनता है कि वो एक ऊंचे पदवी में जाए, तो वहां कुछ और है, वहां कुछ और बातें, वहां कुछ और परमेश्वर देखता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों के सामने क्या है इससे आपके परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब आपको ऊंचा उठाना चाहेगा, जब आपको बढ़ाना चाहेगा, जब आपको ब्लस करना चाहेगा, जब आपकी जिंदगी को आशीषों से भरना चाहेगा, आपके जीवन में अनुग्रह देना चाहेगा, तो परमेश्वर आपके गुप्त जिंदगी को देखना ज्यादा पसंद करता है। आपके व्यक्तिगत जिंदगी आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर प्रभु का फोकस होगा, आपके प्रार्थना जीवन के ऊपर प्रभु का फोकस होगा। आप जब अकेले रहते हैं तब आप क्या करते हो उस पे प्रभु का फोकस होता है। भजन संहिता में ऐसा लिखा गया है कि बढ़ोतरी ना तो पूरब से ना पश्चिम से आता है और ना जंगल की ओर से आता है। नीचे लिखा गया है परंतु यहोवा क्या है, न्यायी है। सब बोलिए न्यायी है, और वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। ध्यान से सुनिएगा, हम हर समय पहला वचन बोलकर बहुत कूदना शुरू कर देते हैं कि यहोवा कहता है कि बढ़ोतरी ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना जंगल की ओर से आता है, लेकिन दूसरा वचन है प्रभु कहता है सुन ले, जब यहोवा किसी को उठाता है तो वो न्यायी परमेश्वर बन जाता है, वो जज बन जाएगा। अगर प्रभु आपको मुझे हम सबों को अगर और दूसरे पायदान में, दूसरे लेवल में और अभिषेक और सामर्थ में अगर प्रभु हमें उठाना चाहेगा, तो मेरा खुदा उस व्यक्ति के सामने किसके समान खड़ा हो जाएगा,
फिर वहां पे अनुग्रहकारी परमेश्वर नहीं चलेगा, फिर वहां दयावंत परमेश्वर होके नहीं खड़ा होगा, फिर वहां पे यहोवा सालोम शांति का परमेश्वर होके नहीं खड़ा हो जाएगा, फिर वहां पे यहोवा ईरे तो मेरे सारे जरूरतों को पूरा करता है वो खुदा बनकर नहीं खड़ा होगा, लेकिन वहां पे खड़ा होगा कि मैं एक न्यायी वाला परमेश्वर बनकर तेरे पास खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको पहले तोलेगा अपने तराजू पे। बाइबल कहता है जब आपको तराजू पे तोलेगा अगर हल्का पाएगा तो आपको साइड कर देगा, लेकिन अगर आपको तोलेगा अगर आपका वजन सही मिला देन वो आपको बोलता है मैं एक को उठाता और दूसरे को घटाता हूं। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा आप में से कोई भी अगर प्रभु से कहते लॉर्ड मुझे आशीषित कीजिए, मुझे अनुग्रह कीजिए, मेरे जीवन को आगे बढ़ाइए, मेरा जॉब अच्छा हो जाए, मेरा सैलरी बढ़ जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, तो मेरा प्रभु कहेगा अगर तू तैयार है मेरा बेटी, अगर तू तैयार है मेरा बेटा, क्या मैं तेरे पास एक न्यायी परमेश्वर बनकर आ सकता हूं? तो आप बोले हाँ प्रभु आके चेक कर लीजिए, मुझे मुझे जांच ले, मुझे अपने तराजू पे तोल ले, और अगर तू तोलेगा मुझे अपने तराजू पे मेरा विश्वास है मैं हल्का नहीं बल्कि मैं भारी पाऊंगा। इस परमेश्वर के वचन में लिखा गया है मैंने तुझे तोला और अपने तराजू में क्या पाया? हल्का पाया। हमको अगर परमेश्वर तोले तो हम उसके तराजू में हल्का नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? भारी, वजनदार। तो प्रभु ने जब अपने बेटे जो दाऊद थे उसको जब बढ़ाना चाहा, जरूर उसको भी तोला होगा प्रभु। जब तोला है तो उसके जिंदगी में क्या था? इसलिए एक बात याद रखिएगा जब भी परमेश्वर किसी को बढ़ाता है वो इसलिए नहीं बढ़ाएगा कि पास्टर संजय सबके बीच में खड़े होकर प्रचार करता है, वो ये अच्छा करता है, वो ऐसा ठीक है। मेरा परमेश्वर जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं वो देखकर मुझे नहीं बढ़ाएगा, परंतु मुझे वो देखकर बढ़ाएगा कि पास्टर संजय विश्वासियों के जाने के बाद मेरे साथ जब वो बैठता है तो उनका जिंदगी कैसा है। हालेलुया। और तब मेरा बढ़ोतरी कलीसिया में लोगों के सामने मैं कैसा हूँ, बहुतों के सामने मैं कैसा हूँ, कैसा बात करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, लोगों को कैसा अभिवादन करता हूँ, इससे मेरे आत्मिक बढ़ोतरी या फिर ऊंचे पदवी में जाने का कोई भी संबंध नहीं है। संबंध इस बात में है प्रभु बोलेगा बेटा मैं तुझे अकेले में तोलूंगा, तू जब अकेले होता है तब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा सबों के सामने नहीं परंतु अकेले में, तो दाऊद की जिंदगी के कुछ क्वालिटीज, कुछ उसके जीवन के कुछ अच्छी बातें जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और प्रभु इसके द्वारा आपके जीवन को आज प्रभु में और मजबूत करे। सबसे पहली बात हम निकाल लेंगे पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय और उसका 11वां वचन निकाल के पढ़िए कि कौन था दाऊद। पहला सामुएल, तब सैमुअल ने ईसे से कहा हाँ क्या सब लड़के आ गए? हाँ वह बोला नहीं, बोला नहीं आया, छोटा तो रह गया, एक लड़का जो है मेरा छोटा लड़का रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सुनिए, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। बस कौन है दाऊद? मैं आपको पहले बताना चाहता हूं क्योंकि आज मैं दाऊद के कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं, जिसको प्रभु राजा बनाना चाह रहा है। आने वाले कुछ दिनों के बाद वो एक इजरायली लोगों का मुखिया होगा, उनके हां और ना से बहुत फर्क होगा, उनके गलत निर्णय से पूरा राष्ट्र तबाह हो सकता है, उनके गलत फैसले से सब कुछ खत्म हो सकता है। तो प्रभु अगर चुन रहा है किसी व्यक्ति को राजा बनने के लिए, इसके पीछे प्रभु उनकी जिंदगी को भी देखेगा। ऐसे परमेश्वर किसी को भी कहीं से नहीं चुनता। मैंने कहा संसार से जब प्रभु आपको चुनता है, आप कचड़ों में पड़े रहो प्रभु आपको चुनकर अपना बेटा बनाएगा, आप पढ़ाई लिखाई नहीं हो फिर भी प्रभु आपको अपना बेटा बनाएगा, आप पापी हो फिर भी प्रभु आपका बेटा बनाएगा। मैं बात कर रहा हूं जब हम मसीह बन जाते हैं उसके बाद प्रभु जब हमें बढ़ाना चाहता है तब प्रभु हमको इसलिए नहीं बढ़ाएगा कि हम कचड़ों में पड़े हुए हैं। तब प्रभु जब हमारे जीवन में गंदगी को देखेगा हमको नहीं बढ़ा पाएगा। दाऊद के बारे में लिखा गया मेरा एक बेटा है जो क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मेरा पहला पॉइंट है दाऊद एक चरवाहा था। कौन था दाऊद? चरवाहा था। और बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम चरवाहा के बारे में अगर पढ़ेंगे ना, चरवाहों का काम बड़ा मशक्कत से भरा हुआ काम होता था, एक सुस्त वाला काम नहीं,
अपने भेड़ बकरियों को चराना और चराते चराते दूसरे जगह पे ले जाके चराना, वहां पे अगर चारा खत्म हो गया फिर तीसरे जगह पे चराना, जब चराते समय कोई जानवर आ जाता है उनको उनसे सुरक्षा देना, जब वो बीमार पड़ जाता है अपने गोदी में उठा के ले जाना, और इस रीति से उन भेड़ों का सुरक्षा से लेकर पानी से लेकर उनका अन्न से लेकर सब कुछ देखना पड़ता है एक चरवाहा को। दैट मीन्स दाऊद एक सुस्त आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था, वो एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था, वो अपने आप को चार्ज रखता था, क्योंकि कोई भी भेड़ बकरी चराने वाला अगर सोता रहेगा तो कोई भालू आ जाएगा, कोई सिंह आ जाएगा, उसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन दाऊद जो था सतर्क रहता था और वो हर समय ताकते रहता था कि मेरे भेड़ में से कोई भी जानवर उसे चुरा कर ना ले जाए। तो सुनिए ध्यान से, क्यों प्रभु दाऊद को चुन रहा है, ये वचन आपके जीवन में बातें करे। कभी कभी हम भी सोचते कि वाह प्रभु आपने उस भाई को चुन लिया, आपने उस बहन को बहुत इस्तेमाल कर रहे, वो प्रभु का दास बहुत जल्दी बढ़ गया, वो इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। क्योंकि यहाँ दाऊद क्यों बढ़ रहा है मालूम है कि बाइबल का पहला जो वचन मैं आपको बताया, पहला पॉइंट, दाऊद जो था एक मामूली व्यक्ति नहीं परंतु वो चरवा था। और चरवा का मतलब ये बताना मैं चाह रहा हूं आपको, मेहनती व्यक्ति था, सुस्तता के आत्मा से घिरा हुआ व्यक्ति नहीं था। कभी कभी हमारा सुस्तता का आत्मा हमको आगे बढ़ने नहीं देता, चाहे वो सेकुलर फील्ड में हो या स्पिरिचुअल फील्ड में हो। अगर आप से कुछ, अगर आप मान लीजिए दुनिया के काम में हैं, वहां भी अगर आपके अंदर सुस्तता का आत्मा है, कभी आपका परमेश्वर आपको प्रमोशन नहीं देगा। अगर आप मसीही फील्ड में हो, आत्मिक क्षेत्र में हो, वहां भी प्रभु आपसे एक चीज चाहता है, बेटा अगर तू मेहनत करेगा मसीह जिंदगी में भी, मैं तुझे ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाऊंगा। इसका मतलब चाहे वो सेकुलर फील्ड हो चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड हो, दोनों जगह में प्रभु सुस्तों को पसंद नहीं करता। हालेलुया, मेहनत करना पड़ेगा। अगर मसीह में है, प्रार्थना आराधना उपवास देना पड़ेगा प्रभु को, तब आपका खुदा आपको बढ़ाएगा। अगर आप सेकुलर फील्ड में है, वहां भी ईमानदारी काम धाम में जो समय है वहां जाना पड़ेगा। आपका पसीना, जब तक माथे का पसीना नीचे ना गिरे तब तक परमेश्वर आपको आसमान की उस चोटी पर ले जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा गया है दाऊद, सबसे पहले हम बोलेंगे वो एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था। मेरा सवाल है आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं मसीह हे मेरा प्रभु मैं तेरे विश्वास में आ चुका हूँ, मुझे अपने हाथों में लेके इस्तेमाल कर, तो प्रभु आपसे एक सवाल पूछता है, क्या तू मेरे लिए मेहनत करना चाहता है? क्या तू मेहनत करेगा जब मैं तुझे उठाऊं, जब बोलू उपवास रख, जब बोलू वहां जा, जब बोलू ये कर, क्या तू मेरे लिए करेगा? तू क्या ऐसा मेहनत करने वाला बनेगा? तो मैं तुझे जरूर, दाऊद जैसा उसको राजा बनाया, तुझे भी मैं बनाऊंगा। हालेलुया। सुनिएगा, मैं आपको परमेश्वर का मन समझाना चाह रहा हूं। मालूम है प्रभु दाऊद को ऐसा कहा है, प्रेरितों के काम उसका पढ़िएगा नहीं, 13:22 में लिखा गया है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। तो मैं आपको बताऊं प्रभु के मन के अनुसार वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बोलिए ना, बोलिए मेहनत करने वाले। आपको अभी भी डाउट है तो मैं एक वचन निकाल के पढ़ाता हूं, Matthew 9:38, वहां निकाली, वहां कुछ शब्द है, मैं आपका उसके साथ मुलाकात करवाना चाहता हूं। पढ़िएगा Matthew 9:38। हाँ, क्या लिखा है? और इसीलिए हाँ पढ़िए, हाँ 9:38, माफ कीजिएगा सिस्टर, इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि वो यहां पे अच्छे से आवाज जाए, इसलिए 9:38। इसीलिए खेत के स्वामी से, सुने सुने सारे विश्वासी, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो, प्रार्थना करो कि वह अपने खेत काटने के लिए, अपने खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दे। किसको भेजे? मजदूर। किसको भेजे? मजदूर को। फिर से पूछूंगा, किसको भेजे? मजदूर को। कौन है मजदूर? पानी वानी पी के पेड़ के नीचे लेटने वाला, उसको मजदूर बोलेंगे क्या हम? कोई मजदूरों को देखे हैं जो काम नहीं करता लेकिन पैसा उठाता है? मजदूर जो शब्द है उसके शब्द में ही अपने आप एक प्रकाशन है कि वो व्यक्ति बहुत काम करने वाला व्यक्ति है।
तो प्रभु ने बोला मेरा खेत जो है पक चुका है आत्मिक तौर पे, लेकिन तुम एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करो। और प्रभु ने बोला मजदूरों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो आएगा उसे काम करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए प्रभु के दास लोग कौन है मालूम है? मजदूर है। अगर मजदूर के समान खटेंगे मिनिस्ट्री में, आपका खुदा आपको आसमान तक उठाएगा। अगर हम मेहनत करने वाले बनेंगे, इसलिए यहां पे लिखा गया है पहला बात उसका कि वो एक चरवाहा था, मेहनत करने वाला, खटने वाला, सुस्त का रोटी नहीं तोड़ने वाला, बल्कि प्रभु के नाम से बड़ा मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए अपने जीवन को समझाइए, अगर मैं मेहनत करूंगा मेरा खुदा मुझे आसमान तक उठाएगा। हालेलुया। चाहे वो सांसारिक काम हो, चाहे वो आत्मिक काम हो, आपका परमेश्वर वहां तक उठाएगा। बहुत लोगों में सुनते हुए ये सब कहते हुए मैंने सुना कि मैं रात रात प्रार्थना करता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, मैं दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन उपवास लेता हूँ, बहुत कम खाना खाता हूँ, और उसका जिंदगी जब कुछ सालों में देखते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, बदल देता परमेश्वर। अगर आप प्रभु से पूछो क्यों प्रभु वो, क्यों प्रभु मैं नहीं, प्रभु कहेगा क्योंकि वो मेहनत करता है। वैसे संसार में जो काम करता है वो आशीषित है, जो काम नहीं करता, बाइबल कहता है जो काम नहीं करता नीति वचन में, वो हाथ ढालेगा थाली में लेकिन थाली से कुछ उठा नहीं पाएगा। एक बाइबल का आशीष कहां छुपा है मालूम है? बोले मेहनत करने वालों में। हालेलुया। हम उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कौन था दाऊद। पहला सामिल उसका 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन निकाल के पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि वहीं से हम पढ़ते रहेंगे। पहला सामिल 16:17-18 पढ़ी। साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो, उत्तम वीणा वादक। सब बोलिए उत्तम वीणा वादक। बोलने का मतलब मान लो कोई गिटार बजाता है तो साउल राजा बोल रहा कि मेरे लिए कोई प्रोफेशनल गिटारिस्ट को देखो। वो गिटारिस्ट नहीं है एक्चुअली, वो वीणा वादक है। और आगे क्या लिखा है? और उसे मेरे पास लाओ, तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन मैंने वैतलहम वासी इसे के एक पुत्र को देखा, मैंने देखा है जो वीणा बजाता है। बस जो क्या बजाता है? वीणा। यहाँ पे साउल राजा ऐसा बोल रहा है, क्यों मालूम है? साउल राजा के जीवन में एक एक दुष्ट एक आत्मा आता था जो साउल राजा को विचलित कर देता था, परेशान कर देता था, हैरान कर देता था। इसलिए साउल राजा खोज रहा है कोई प्रोफेशनल वीणा बजाने वाला। वो बोल रहा है मेरे लिए कोई 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 बेहतर, उत्तम, जो अच्छा से अच्छा बजाए, ऐसे एक बजाने वाले किसी को आप ढूंढ के लाओ। तो उसको वहां एक जवान लड़का था, बोला राजा मैंने एक लड़का को देखा है जो इसे का बेटा है जिसका नाम दाऊद है, मैंने देखा है कि जब वो बजाता है बहुत अच्छा बजाता है। और वो कौन है? दाऊद है। अब मेरा एक सवाल है, कौन है दाऊद जिसको खुदा आने वाले दिनों में राजा बनाने जा रहा है? वो मेहनत करने वाला, अपना पसीने का रोटी खाने वाला, अपने पिताजी का दिया हुआ काम को बड़े बाइज्जत के साथ करने वाला। दूसरा जो मैंने आपसे मैं कहने जा रहा हूं, ये एक प्रोफेशनल वीणा बजाने वाला, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला एक व्यक्ति जो दाऊद है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आज मेरा बात क्यों बोलना चाहता हूं आज, क्योंकि मैं भी कई लोगों को गिटार सिखाने के लिए मैंने कोशिश किया। जब गिटारिस्ट को देखा, देखते हैं ना स्टेज में, ये गिटारिस्ट लोग गिटार पकड़ के बजाते हैं और जो साउंड निकलता है बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मगन लगता है, तो कुछ लोग के अंदर ये भावना आ जाता है, काश मैं भी उसके समान खड़ा होकर क्या करूं, बजाऊं। कुछ लोग सोचेंगे काश जैसा उल्सन का हाथ टिडिंग टिडिंग होता है वैसा मेरा भी अगर हाथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, काश जैसा जॉनसन बेस बजाता है ऐसा मैं भी अगर बेस बजाऊं तो क्या मजा आ जाएगा। अरे यही शौक में यही चीज को लेकर वो आ भी जाते हैं और बात भी कर लेते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, भैया हमें सिखाइए, हम प्रभु के लिए महिमा करना चाहते, प्रभु के लिए बजाना चाहते। ये लोग ले भी लेता है और उन्होंने आना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक क्लास, दो क्लास, एक महीना, दो महीना, तीन महीना के बाद वो क्लास आना बंद करते हैं और उसको केवल 3 कॉर्ड आता है बजाने के लिए, केवल 3 कॉर्ड उसको आ गया। अब 3 कॉर्ड लेकर वो स्टेज में मानो ऐसा खड़ा होता है कि लगता है कि ये उत्तम
गिटारिस्ट है, वे उत्तम बजाने वाले हैं। देखिए, तीन कॉर्ड लेकर प्रभु के लिए बजाना, मैं ये नहीं बोलूंगा बुरा है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या तुझे तेरा खुदा बढ़ाएगा? क्या तुमको आसमान का परमेश्वर ऐसा बढ़ाएगा कि तू बड़े से बड़े स्टेज में जाके बजाए? प्रभु बोलेगा, मैं तुम जैसे लोगों को नहीं ऊपर उठा सकता। क्यों मालूम है? आपका परमेश्वर अगर वो बहुत आदर के योग्य है, तो मेरा बजाना भी उसके लिए उसके चरणों में समर्पित होना चाहिए। कुछ लोग थोड़ा सीख लेते हैं और सोचते मैं बहुत सीख लिया हूं, और गाना बजाना आराधना करना शुरू करते हैं। मैं बोलता हूं बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसके लिए गा रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं? सुनिए ध्यान से, अगर इस खड़गपुर में एक बड़ा नेता आए और वो आपको बोले कि मैं चाहता हूं कि जब मैं उस पंडाल में मैं घुसूं, तो वहां पर एक ऐसा भाई हो जो गिटार बजाने वाला हो, मैं थोड़ा आगे जाऊं एक और भाई हो जो कीबोर्ड बजाने वाला हो, आप बताइए, जो बड़ा आदमी आपके शहर में आ रहा है, आप कैसे कीबोर्डिस्ट ढूंढोगे, आप कैसे गिटारिस्ट को ढूंढोगे कि वह बजाए? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उनके आदर में है। और हम किनके आदर में बजाते हैं? परमेश्वर के आदर में। लेकिन परमेश्वर के आदर में बजाते हैं और हमारे जीवन में मेहनत नहीं है, हम ऐसे ही आके प्रभु की उपस्थिति में बजा देते हैं, हम सीखते नहीं हैं, हम सीखने का मन नहीं रखते। मैं बोलना चाहूंगा, जो गीत गाते हैं सोचते हैं जब खड़े हो जाएंगे प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई देगा और एक गले को प्रभु ठीक करेगा। प्रभु बोलेगा 10 बजे तक क्या कर रहा था? प्रभु हम तो सो रहे थे। तू गला ठीक कर रहा था या अपना पीठ ठीक कर रहा था? ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी गद्दियों पे नहीं बैठाता। हालेलुया। जब पूछा गया कि कोई बेस्ट बजाने वाला, वाद्य यंत्र बजाने वाला कोई है, तो बोला वो कौन है? दाऊद है। मैंने सोचने लगा, दाऊद आप सीखे कब है, आप ये बजाना सीखे कब है? दाऊद मुझसे ऐसा बोला। क्या बोला मालूम है दाऊद? दाऊद ने बोला, जब मैं भेड़ बकरियों को मैं चराता था, मैं तब वहां पर प्रभु से प्रार्थना करते करते मैं बीना को बजाना ऐसा आरंभ किया, मेरा खुदा मुझे प्रोफेशनल बीना बजाने वाला बना दिया। एक कहावत इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपका परमेश्वर कभी आपको परफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आपको वहां मेहनत देना पड़ेगा। इसलिए ये वाला शायद हमारे आंटी, हमारे कुछ बहन लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे क्वाइट टीम समझ गए हैं कि पास्टर जी बोलना क्या चाह रहा है। अगर हम प्रभु के लिए गाते हैं, अगर हम प्रभु के लिए बजाते हैं, अगर मैं प्रभु के लिए ड्रम कीबोर्ड बजाते हैं, तो आप बोलिए, प्रभु मेरा ये टैलेंट तेरे चरणों में समर्पित है, मैं घंटों बैठूंगा कि मैं तेरी आराधना करने के सब सामने जब बैठूं, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्ले कर सकूं, क्योंकि मैं राजाओं के राजा के लिए बजा रहा हूं। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों को आसमान का परमेश्वर छोटे स्टेजों में नहीं, बड़े बड़े स्टेजों में ले जाएगा। क्यों? यू आर द बेस्ट गिटारिस्ट, यू आर द बेस्ट प्ले, कीबोर्ड बजाने वाला बन जाते हैं। तो मेरा परमेश्वर कहता है, दाऊद को देखो और सीखो क्यों मैंने उसको चुना। पहला तो वो बहुत मेहनती था, दूसरा वो बजाने वाला था। अब तीसरा, मैं एक बात है वहां पर जब बताऊं आपको समझ में आएगा, मेरा तीसरा पॉइंट नहीं है लेकिन इसी में है, दाऊद ऐसे वैसे नहीं बजाता था। क्यों दाऊद के बारे में बोला गया, मैं आपको वहां पे बताना चाहता हूं। वहां पे पहला सामिर उसका 16:23 पढ़ दीजिए, क्या लिखा है जल्दी से, 16:23। हाँ, 23। और जब जब परमेश्वर, सुने सुने सुने, जब जब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, साउल पे चढ़ता था, तब दाऊद बीना लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। सब बोले हालेलुया। मैं पूछना चाहूंगा, प्रभु के लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, प्रभु के लोग जो आराधना करते हैं, प्रभु के लोग जो प्रभु के लिए स्टेज में खड़े होकर उसकी आराधना करते हैं, आपके आराधनाओं को, आराधना के द्वारा कितने के जीवन से दुष्ट आत्मा निकल जाता है और वो कहता है मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मालूम है एक सच्चा आराधक कौन है, एक सच्चा गिटारिस्ट कौन है, एक सच्चा ड्रमिस्ट कौन है, एक सच्चा कीबोर्ड बजाने वाला कौन है, एक सच्चा बेस बजाने वाला कौन है? जब वो बजाए, लोगों के ऊपर से दुष्ट आत्माएं निकल कर चले जाए।
हालेलुया। और वो आपसे आकर कहे, ब्रदर मुझे नहीं पता आप जब प्ले कर रहे थे कीबोर्ड मेरे अंदर से बरसों का दुष्टात्मा ऐसा चला गया और मैंने बड़ा हल्का महसूस किया। और उस दिन बोलिएगा, प्रभु मेरा टैलेंट के द्वारा रोगी और बीमार और दुष्टात्मा सब ठीक हो रहा है। ये चाहता है प्रभु। प्रभु क्यों दाऊद को चुना? हम बोलेंगे उसे प्रभु नालियों में से चुना। कुछ हम प्रचार तो सुने होंगे कि वो बहुत गंदगी में रहता था फिर भी प्रभु उसको वहां से चुने। जी हाँ, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको उसका दूसरा एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं जो सीख लीजिए। दाऊद प्रभु के लिए जो बजाता था दी बेस्ट बजाता था। हालेलुया। इसलिए हमारे कलीसिया के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर है हर समय की बात बोलना, खुदा जब भी मैं बजाऊं मैं आपके लिए बजाऊंगा और ऐसा बजाऊंगा कि लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। अब हम तीसरे पॉइंट में आना चाहते हैं, बढ़िएगा उसका 18 वचन। हाँ, तब एक जवान ने हाँ उत्तर दे के कहा, कहा सुन मैंने बैतलम वासी हाँ ईशे के एक पुत्र को देखा हाँ जो वीणा बजाना जानता है, जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। कौन है दाऊद? कौन है दाऊद? केवल योद्धा नहीं, बाइबल क्या बोल रहा, वीर योद्धा। सब बोले हालेलुया। प्रभु अगर आपको चुनता है, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, लेकिन वो कब मालूम है? जब आप प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन जब आप प्रभु को जान गए तब आपका परमेश्वर तब चुनेगा जब आपके अंदर कुछ खूबियों को देखेगा, जब आपके अंदर प्रभु के लिए जील होगा, आपके अंदर प्रभु के लिए करने के लिए कुछ होगा। यहां लिखा गया दाऊद कौन था? वीर योद्धा। कहां से सीखा उसने युद्ध करना? कहीं से सीखा होगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं ये दाऊद नहीं कह रहा है, लोग कह रहा है कि मैंने दाऊद को देखा वो कैसा है, वीर योद्धा। कोई कोई ऐसा बोलते हैं दाऊद एक छोटा सा लड़का था और छोटा लड़का वहां गया और गोलियात को मारा और गोलियात के सर को क्या कर दिया, काट के ले आया। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया, एक छोटा सा लड़का एक बड़ा आदमी को हराया। जी नहीं, दाऊद छोटा सा लड़का का मतलब ये नहीं कि वो 10-12 साल 9 साल का कोई बच्चा था। दाऊद के बारे बाइबल बताती है गोलियात को मारने से पहले कि दाऊद कौन था, वीर योद्धा। और जो लोग बोलते दाऊद बहुत छोटा था, तो दाऊद ने पूछा था कि मैं अगर इसको मारूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। कुछ लोगों ने बोला राजा साउल ने ऐसा अनाउंसमेंट करा के रखा है कि जो इसको मारेगा वो उसके बेटी मिखेल से क्या करेगा। अब एक छोटा बच्चा शादी के लिए मन बना सकता है क्या? कौन बनाता है शादी के लिए मन? आपके घर में 10-12 साल का बच्चा अगर बोलेगा मां मुझे शादी करना है, आप दरवाजा वगैरह बंद करोगे, दमा के दोगे आप, तो शादी के लिए कौन तैयार होता है? जवान। तो यहां लिखा है वो वीर योद्धा था। हालेलुया। क्यों प्रभु ने दाऊद को चुना? प्रभु आपके मन से बातें कर रहा है क्योंकि दाऊद मेहनती था। दाऊद प्रभु के लिए बेस्ट बजाने वाला एक वाद्य यंत्र बना, अपना समय देता था कि मैं प्रभु के लिए और बेहतर से बेहतर में बनाऊं। तीसरा कहता है दाऊद कैसा था? वीर योद्धा। एक वीर योद्धा इसका मतलब वो जरूर अपने आप को हर दिन फिट रखता था लड़ाई के लिए और युद्ध के लिए। इसलिए बाइबल बताता है कि वो कौन था। प्रभु एक कमजोर व्यक्ति को राजा नहीं बना रहा है, प्रभु जिसको बनाना चाह रहा है वो पहले से कौन है? वीर योद्धा। हालेलुया। और आगे हम बढ़ेंगे, चौथा उसी के आगे पढ़िए। और बात करने में बुद्धिमान। सब बोलिए बुद्धिमान। अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना, बुद्धिमान। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है और बातें करने में क्या था? बुद्धिमान। अभी मेरा एक सवाल है, मसीह लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु के लोग जब भी बोले मानो ऐसा बोले बड़ी बुद्धिमानी के साथ। मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपके मुंह से कभी भी कुछ निकलता है गलत फलत, कुछ कुछ लोगों ने बोला कि मैं नहीं चाहकर भी हमारा निकल जाता है, मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है, बहुत धीमा बोलिए, आराम से बोलिए। मैं मेरे भाइयों को सिखाता हूँ, मैं सिखाया हूँ कि कभी भी किसी के साथ अब तुम्हारा जब कुछ चीजों को लेकर तर्क होता है और मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति गलत है तो
तो जब भी सामने वाला व्यक्ति गलत रहेगा, आपको आपको मालूम है कि आपके पास बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है उससे बात करने के लिए, देखिए आपका बात स्पीड हो जाता है और स्पीड के चक्कर में सब कुछ खिचड़ी हो जाता है। मैंने उन लोगों को सिखाया, जब भी किसी के साथ तुम बात करो, अगर गुस्सा आए तो गुस्सा के समय एक चीज अपने मन में रखना, क्या? बड़े आराम से अपने गुस्से को निकालना। गुस्सा मतलब मारने के बारे नहीं बोल रहा, बड़े आराम से अपने शब्दों को निकालना ताकि सामने वाले को सुन सके। आप टीवी में देखिए आजकल के न्यूज में क्या होता है, झगड़ा। हाँ आप बताइए ये करने जा रहा ठीक है कि नहीं, आपका इसके बारे में क्या राय है? अरे यहाँ किस चीज करना शुरू करता है, यहां शुरू करना, तो हमको लगता है कि भाई हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, तो मैं मन में सोचता भाई थोड़ा आराम से अपने दिल के भड़ास को धीरे धीरे बोलता तो सामने वाला व्यक्ति भी सुन लेता। तो बाइबल कहता है दाऊद बोलने में कैसा था, क्या चराता था, भेड़ बकरी, बुद्धि कहां से आया उसके पास और बुद्धि में बातें करना उसने कहां से सीखा, कैसा वो सीख लिया कि जब मैं किसी से बातें करूं तो कैसा बातें करूं। बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, पौलुस तीमोथी को बोल रहा है, अपने से बड़े लेडीसों को, महिलाओं को मां जानकर सम्मान करना, अपने से छोटे बहनों को अपना बहन मानना, भाइयों को अगर बड़ा है पिता का दर्जा देना, छोटा है तो भाई का दर्जा देना। इस तरह से प्रभु का वचन सिखाता है हम बड़ों से जब बात करें तो आप बोले और जब हम छोटों से बात करें तो क्या बोले। हम लोग कैसे बात करते हैं मालूम, तू ता रे रा। मैं बताना चाह रहा हूं परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता नहीं। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था मैंने एक चीज, बहुत सारे चीजों में एक चीज मैंने ये भी सीखा कि जो भी आए उनको आप बोलकर संबोधित करो। जब छोटे छोटे मेरे जूनियर भी आता था, मैं थर्ड ईयर में पहुंच गया और फर्स्ट ईयर में जब कुछ भाई लोग आए उनको भी मैंने वो मैं यही बात बोल के बोलता था, आप बैठिए भाई, आप कहाँ से आए। ये आप शब्द दुनिया नहीं सिखाता है, कौन सिखाता है? आपका परमेश्वर। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है बुद्धिमान हो जाओ। सब बोले हालेलुया। हम बातें करने में बुद्धिमान है या आप जो बातें करते हैं लोगों से पूछे कि भाई कैसा बात किया, अरे बड़ा सर खा लेता भाई। अगर ऐसा कोई बोलता है अपना शब्द को सुधारो और ऐसा बात करो कि लोगों को आपके पास घंटों बात करने का मन चाहे। ऐसा ना हो कि लोग आपको आते देख के बोले अरे भाई भाग यहां से, नहीं तो वो आ जा रहा है वो कान खा लेगा। सुने ऐसे ऐसे लोगों से कभी अपना रास्ता काटे? कुछ लोग बोलते बिल्ली जब रास्ता काटता तो हम रास्ता काटते, नहीं नहीं कुछ ऐसे लोग भी है जो कुछ लोग आते हैं तो अपना रास्ता काट लेते हैं क्योंकि वो इतना बात करता है, इतना बड़बड़ाता है और पूरे बात में उनको यही बताना था कि भाव आजकल दुनिया में बढ़ चुका है। तो सीधा सीधी बोलो ना कि दुनिया में भाव बढ़ गया। वो अमेरिका, लंदन, यूरोप, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता होते हुए आखिरी में कहेगा पास्टर जी दुनिया का जो भाव है ना बहुत बढ़ गया है। तुम्हें बोला धत तेरी की, यही बोलना था क्या? तुम्हें बोलना क्या चाह रहा हूं, हम प्रभु के लोग हैं। सब बोलिए हम प्रभु के लोग हैं। बुद्धिमानी से बात करें, है ना, किसी को भी सलाह दे रहे बड़ा बुद्धिमानी से, जो भी मन में आ गया उनको अगुवाई मिला प्रभु से, नहीं नहीं बड़े बुद्धिमानी से बात करें। हालेलुया। कोई कहेगा मेरा बीवी के साथ लड़ाई हो रहा है, बताइए ना भैया क्या करें, वो चर्च में आने नहीं दे रहा है। अरे प्रभु के लिए बीवी को छोड़ दो, पता चल रहा दूसरा दिन डिवोर्स दे दिया, पुलिस उसके पास आया, क्यों छोड़ा पता नहीं, मैं एक जन के पास गया था वो बोला बीबी को छोड़ दो। फिर आपके दोनों हाथों में ना हथकड़ियां लगेगी और आप जेल जाओगे। बुद्धिमानी से बात करो। कोई अगर बोलता आपको मेरा बीबी प्रभु में नहीं है और मुझे कलीसिया आने नहीं देता है, मुझसे अगर पूछे तो मैं बोलूंगा घर में बैठो और दुआ करो अपने बीबी के लिए, जब वो उद्धार में आए साथ में मिलकर कलीसिया आना। प्रभु छोड़ने नहीं कहता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बहुत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जो लोग स्वर्ग घूम के बार बार आते जाते रहते हैं वो लोग बोलते हैं प्रभु के लिए बीबी को भी छोड़ दो, कुछ बोलते प्रभु के लिए अपने हस्बैंडों को भी छोड़ दो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर हमारा हस्बैंड हमको प्रभु में सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम अपना लड़के प्रभु के पास आ रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आप उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि विवाह सब बातों में आदर की बात मानी जाए। हालेलुया। दुआ करना है, उपवास करना है, प्रभु जिस विश्वास में मैं हूं मेरा पति आ जाए, जिस विश्वास में मैं हूं मेरी पत्नी आ जाए, ये प्रार्थना करते रहना। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु दाऊद को चुन रहा था तो दाऊद की इस क्वालिटी को देखिए, दाऊद क्या था बोलने में,
बुद्धिमान। तो आज के बाद आप भी प्रभु से एक नया प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा बुद्धि दे कि जब मैं लोगों से बात करूं बुद्धिमान वाला बात करूं। बाइबल में लिखा गया है कि जो बुद्धिमान लोगों का सलाह सुनता है वो कभी नष्ट नहीं होता। क्यों मालूम है? बुद्धिमान बड़े बुद्धि से लोगों से क्या करता है? बात करता है। अब बुद्धिमान व्यक्ति 160 की स्पीड में नहीं बोलता, बुद्धिमान व्यक्ति 30 या 40 की स्पीड में बोलना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु जब दाऊद को चुन रहा था क्या क्वालिटी था? बोलिए ना, क्या क्वालिटी था? बुद्धिमान। इसका मतलब उसको बड़े छोटों का आदर और सम्मान करना आता था। किसको प्रभु उठाता है, सिंहासन में बैठाता है? किसी भी, कहीं से भी नहीं। सुने, आगे और भी कुछ पॉइंट है, पढ़िए उसके आगे क्या लिखा है। बात करने में बुद्धिमान हाँ, और रूपवान भी है हाँ, और यहोवा उसके साथ रहता है। सब हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा गया यहोवा उसके साथ रहता है। पांचवा नंबर पॉइंट ये है कि यहोवा उसके साथ रहता है। आप मुझे एक बात बताइए, यहोवा दाऊद के साथ रह रहा है, दाऊद अपना सीना खोल के बोल रहा है कि मेरे साथ यहोवा रहता है, या दाऊद के लिए कोई और बोल रहा है? सुनिए बड़े ध्यान से, कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में या दाऊद के बारे में लोग कह रहा है कि दाऊद को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि दाऊद भी है और दाऊद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरा आप लोगों से सवाल है, जब आपके गांव के लोग, जब आपके बस्ती के लोग जब आपको देखते हैं, क्या वो आपको देखते हैं या आपके साथ आपके परमेश्वर की उपस्थिति को भी देखते हैं? बाइबल कहता है जब लोगों ने दाऊद को देखा, ना केवल उसने दाऊद को देखा, उसने दाऊद के साथ उसके खुदा की उपस्थिति को भी देखा। दुआ करो अपने परमेश्वर से, हे प्रभु मेरे गीतों में, मेरे प्रार्थना में, मेरे आराधना में, मेरे बस्ती वालों के साथ जब बैठ के बात करूं या काम करूं, लोग मुझे तो देखे जरूर, लेकिन ऐसा अनुग्रह कर कि वो तुझे भी मेरे जिंदगी से देख ले। हालेलुया। पता है आप प्रभु में हो, लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लोग कहेगा कि ये प्रभु में हो। लेकिन अगर लोग आपको बीड़ी पीते हुए देखे, अगर लोग आपको खैनी दलते हुए देखे, अगर लोग आपको व्यभिचार करते हुए देखे, अगर लोग आपको गंदगी में पड़े हुए अवस्था में देखे, तो लोग ये कहेगा इसको मैंने जब जब देखा प्रभु की उपस्थिति नहीं, शैतान की उपस्थिति इसके जीवन में दिखाई देता है। दाऊद को जब देखा लोग कह रहा है जवान लड़का, वो प्रभु की उपस्थिति उसमें दिखाई देता है। सब अपने हाथों को उठाए बोले प्रभु जब लोग मुझे देखे तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से देखने पाए, जब लोग मुझे देखे, लोग मेरे जीवन से तुझे देखे और लोग गवाही दे कि मेरे साथ तू रहता है। हालेलुया। हम उसके आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा गया है ध्यान से सुनिए, पहला सामुएल 17 अध्याय 34 से लेकर 36 वचन, जल्दी से पढ़े। पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 34 से लेकर 36 वचन निकाल के हम पढ़े। दाऊद ने साउल से कहा सुनिए, दाऊद ने साउल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था हाँ, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेरे मेमने को उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता और जब वो मेरे ऊपर हमला करता तब मैं सिंह के बाल को पकड़ के उसे मार डालता। सुनिए बस, ये कब बोल रहा है मालूम है दाऊद? ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ा रहस्य वाली बातें छिपी हुई है। जब मैं पढ़ रहा था प्रभु ने मुझे एक बात कहा और ये वचन मुझे बहुत पहले मिला था, एक सप्ताह पहले मिला। मैं एक छोटे से कागज में एक शब्द लिख के रखा था, मैं आपको बाद में बोलूंगा। लेकिन दाऊद के सामने जब ये सवाल आया, लोग जब दाऊद को देखने लगे कि ये लड़का क्या उस गोलियात को मार पाएगा, ये जो चरवाहा है क्या वो गोलियात को मार पाएगा, ये जो साउल के सामने बैठकर वीणा बजाता है क्या इसमें इतना ताकत है, क्या इसमें इतना शक्ति है, क्या इसमें इतनी सारी बातें हैं कि ये गोलियात को मार सकता है। जब राजा साउल ने पूछा कि क्या तू ऐसा कर पाएगा, तब राजा साउल से, सुनिएगा, किसी और से नहीं, केवल राजा साउल से अपना टेस्टमनी शेयर कर रहा है। मुझे लग रहा है इससे पहले किसी को नहीं पता था कि दाऊद ने जंगल में सिंह और भालू को मारा। लेकिन जब हम सिंह और भालू को मारते हैं,
पूरा खड़गपुर को पता चलता है, सुन लो भाई मैंने सिंह और भालू को मैंने मारा है। किसी के प्रार्थना से कोई अगर पेट दर्द या ट्यूमर निकल जाए उसको पोस्टर बना के हम भेज देते हैं यार, और बहुत बवाल मचाते हैं कि मेरे दुआ से ये बीमारी क्या हो गया। लेकिन दाऊद जो इतना महान इतना बड़ा काम किया वो किसी के सामने नहीं बोल रहा, वो भी तब बोल रहा है जब उसके ऊपर सवाल आ रहा है कि क्या तू गोलियात को मार पाएगा। तब दाऊद ने सोचा अब तो मेरा टेस्टमनी बोलना ही पड़ेगा। तब बोला अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहे। राजा ने कहा क्या? पता है मैं जब जंगल में मेरे मेमने को चराता था तो कई बार शेर लेके सिंह लेके चला गया, कई बार भालू लेके चला गया। मैंने सिंह के बाल को पकड़ा और उसके मुंह से मेरे मेमने के बच्चे को निकाला और उन दोनों को मैंने मार डाला। तब साउल कहता है वाह, हम अपना टेस्टिमनी कहां बांटना है प्रभु हमें बुद्धि दे। हर जगह नहीं, क्योंकि हर जगह बांटोगे ना तो ऐसा हो जाएगा मानो आपका कोई कदर नहीं रहेगा। आपका टेस्टिमनी वही बांटे जहां लोग जाने ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। हालेलुया। और दाऊद उस चीज को किया और राजा साउल आगे उसको अनुमति दिया। लेकिन इस वचन से प्रभु ने मुझे एक बात सिखाया, क्या मालूम है? आप भी सीख लीजिए, मैंने लिख के रखा है अपने एक छोटे से पर्ची में, मैंने ऐसा लिखा है जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में से सिंह और भालू को मारता है वही भीड़ में गोलियात को मार सकता है। समझने वाले बोले हालेलुया। समझे आप? व्यक्तिगत प्रार्थना में तो कुछ नहीं मारते हम लोग, व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन हमारा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना हमारा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जब भीड़ में आते हैं, हालेलुया, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 5:15 निकाले। लोग बोलते हैं भाई क्या धाड़ता है, क्या वचन बोलता है। एक प्रभु कहता है व्यक्तिगत रीति में एक चींटी को भी नहीं मारा है। समझे मेरे बात को? लड़ाई हमारा भीड़ के सामने तब मेरा परमेश्वर आपको ले आएगा जब आप व्यक्तिगत रूप में किसी सिंह या भालू को मारे हैं। हालेलुया। जब आप व्यक्तिगत जिंदगी में अपने मुसीबतों को रौंद कर उसे नीचे ढाले हैं तब मेरा खुदा एक दिन ऐसा आएगा हजारों के भीड़ में आपके हाथ में माइक्रोफोन देगा और कहेगा तू अब बोल और लोगों का जीवन में बदलने जा रहा हूं। तब बोलेंगे प्रभु क्यों? क्योंकि तू व्यक्तिगत रीति में सिंह और भालू को मारने वाला इंसान है। इसलिए समझ ले हमारा लड़ाई ही लोगों के बीच प्रचार करने का नहीं है। जब हम व्यक्तिगत रूप में रहते हैं हम क्या मारते हैं यही गवाही हमको एक बड़े भीड़ में पहुंचाएगा और उस दिन हमारे सामने गोलियात रहेगा। जब गोलियात को हम मारेंगे आवाज क्या आएगा मालूम है? कि साउल ने कितनों को मारा? हजारों को, और दाऊद ने 10,000 या 10,00,000 को मारा। हालेलुया। कभी कभी हम वाह वाह ही सुनना चाहते हैं तो मेरा सवाल मेरा ये मन में बात ले जाइए, कभी कभी व्यक्तिगत जिंदगी में भी कुछ सिंह को कुछ भालू को मार के दिखाओ, तब आपका खुदा बड़ा दाऊद को मारने के लिए आपके हाथ में सामर्थ देगा। क्यों प्रभु दाऊद को चुना? क्यों प्रभु दाऊद को चुनकर राजगद्दी में बैठाना चाह रहा है? दाऊद की क्वालिटी को देखिए, वो एक मामूली व्यक्ति नहीं था। सब बोले हालेलुया। आप भी व्यक्तिगत जिंदगी में मान लीजिए कोई प्रभु के जन अगर अपने घर के तकलीफ को नहीं हरा पा रहा है और बाहर में आके माइक्रोफोन में प्रचार कर रहा है, खुदावंद आज आपके तकलीफों को दूर करेगा। आसमान का परमेश्वर कहेगा जा तेरे मिनिस्ट्री को मैं नहीं देखता। समझ में आ रहे? कुछ लोग करेला नहीं खाते हैं लेकिन अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा खा बहुत बहुत अच्छा है, जब खाएगा ना तेरे अंदर बीमारी नहीं रहेगा। तो बच्चे लोग बोलते हैं पापा आपको कभी खाते हुए नहीं देखा। तो प्रभु ये बोलना चाह रहा है कि अपने व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ सिंह को मारो भाई, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भालू को मारो। मैं बोलना चाहता हूं खुदा उसी को आसमान में उठाता है जो व्यक्तिगत जिंदगी में लड़कर विजय का जिंदगी जीता है। तब प्रभु उसको आसमान में उठाएगा, तब प्रभु उसको बड़े बड़े जगह में ले जाएगा, क्योंकि अब वो व्यक्ति है जो व्यक्तिगत जिंदगी में भी लड़कर प्रभु के लिए जीते हैं। हालेलुया। आखिरी पॉइंट क्या लिखा है पढ़िएगा, उसका 17:37 जल्दी से। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है
वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। सब बोले हालेलुया। दाऊद का आखिरी पॉइंट मैं यहाँ बोल के खत्म करना चाहता हूँ। क्या मालूम है, दाऊद कहता है जिसने मुझे सामर्थ्य दिया सिंह को मारने का, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया भालू को मारने का, मैं विश्वास करता हूँ उस आसमान के परमेश्वर पर पूर्ण हृदय से कि गोलियात को भी मैं मार गिराऊंगा। हालेलुया। जिसने आपको सामर्थ दिया है आपके घर के परेशानियों पे खड़े होने का, जिसको आपको सामर्थ दिया था 2012 में आपकी जिंदगी की उन चीजों को रोंदने का, तो याद रखो आपका परमेश्वर आपको सामर्थ देगा इसी साल भी कि आप अपने जिंदगी में और भी आगे आशीषों के साथ बढ़े। क्यों? क्योंकि आप अपने परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास। दाऊद कहता है मैं विश्वास करता हूं जिसने मुझे सिंह और भालू को मारने का सामर्थ दिया, मैं दाऊद को भी मारूंगा। आखिरी में वो कहता है कि मेरा पूर्ण भरोसा मेरे उस पांच पत्थर पे नहीं है, मेरा पूर्ण भरोसा मेरे गुलेर पर भी नहीं है। हमें बोल के तो आ गया ये है खतना रहित, लेकिन मेरे बातों को सुनिएगा ध्यान से। दाऊद ये बोलना चाह रहा है कि मेरा पूर्ण भरोसा मेरे आसमान के परमेश्वर पर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दाऊद आपने पांच पत्थर क्यों लिया? इसके बारे में बहुत लोग अलग अलग वचन बताता है कि पांच पत्थर विश्वास को दिखाता है, ये है वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, मैं कभी भी सोचता हूँ दाऊद को लग रहा था कि एक पत्थर से गोलियात शायद ना गिरे तो दूसरा पत्थर भी घुमा के क्या करूंगा, इसलिए बोला कम से कम तो पांच चाहिए। तो जब वो एक को घुमा के मारा, प्रभु कहता है एक पत्थर काफी है मेरे उन भक्ति वाले हाथों से जो गोलियात को मारना चाह रहा है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर कहता है कोई ऑप्शनल कुछ मत रखना, अगर तेरे पास एक भी है तो तेरा गोलियात तेरे सामने सर झुकाएगा। अब मेरा सवाल आपसे कि प्रभु ने दाऊद को राजा के लिए क्यों चुना? जिसने मैंने पहले बोला जब प्रभु किसी को चुनता है गद्दी में बैठाने के लिए, इसलिए नहीं चुना कि वो नालियों में था, इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत गंदगी में था। मैंने कहा जब आप अन्य जाति थे तब आप जो भी हालात में थे प्रभु ने आपको बचाया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि दाऊद यहूदी था, उसको लेकर आसमान में या फिर उस गद्दी पर प्रभु ने इसलिए बैठाया क्योंकि दाऊद के अंदर क्वालिटी था। क्या क्या क्वालिटी था? वो चरवाहा था, सुस्त का रोटी नहीं तोड़ता था। दूसरा क्या बताइए? वीणा वादक, ना केवल वीणा वादक, एक प्रोफेशनल वीणा वादक, और ऐसे बजाता था कि साउल के ऊपर से सताने वाले आत्मा चले जाता था। तीसरा, वो वीर योद्धा था। चौथा, बोलने में बुद्धिमान था। पांचवा, यहोवा उसके साथ रहता था। और छठा, उसने सिंह और भालू को मारा, ये गवाही उसने दिया। और सतवा, वो कहता है मुझे पूरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। हालेलुया। सुनिए, 2024 में अगर आप मसीही जिंदगी में, मसीही मिनिस्ट्री में, प्रभु की आराधना में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर आपका परमेश्वर क्या देखना चाहेगा? गुणों को देखना चाहेगा। और जब प्रभु आपके अंदर गुण देखेगा, मेहनत देखेगा, लगन देखेगा, आपके दुआओं को देखेगा, आपके उपवास को देखेगा, आपके अंदर देखेगा कि आप जो बोलते हो यही बोलते हो कि मेरा खुदा मुझे उससे बचाया तो इससे भी बचाएगा, तो परमेश्वर कहता है ऐसों को मैं नीचे से गद्दियों में बैठाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम अपने आप को इस वचन के आधार पर दे प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह करे। सब बोले हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें।